दो पिकअप और एक कार आपस में टकराई, दो घायल। शुक्रवार दोपहर लखनऊ प्रयागराज हाईवे कुंदनगंज गांव में जोहवा सर्की मोड़ के पास एक पिकअप ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई। टक्कर के बाद पिकअप रुकी, तभी पीछे से आ रही दूसरी पिकअप ने पहली पिकअप को टक्कर मार दी। इस दरमियान सामने से आ रही एक कार भी पिकअप से टकरा गई। हादसे में कार सवार महिला गायत्री सिंह परिहार, पत्नी हरिमोहन परिहार निवासी लखनऊ घायल हो गए, जो कि अपने कार चालक मनोज के साथ प्रतापगढ़ एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। रायबरेली की तरफ से आ रहा पिकअप चालक निसार अहमद निवासी घाटमपुर थाना डी भी घायल हुआ। NHAI की एम्बुलेंस ने घायलों को CSC बचरामा पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक नवीन शर्मा ने दोनों का प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना प्रभारी ब्रिजेश राय ने बताया कि घायलों का इलाज चल रहा है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। भैया क्या नाम है आपका, बताइए। हमारा नाम सुनील कुमार। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई, बच्चे विद्यालय जा रहे थे और उनको रास्ते में पैसों का लालच दे करके और गोलियों का लालच दे करके बच्चों से काम कराया गया। क्या बनवाया जा रहा था? गोला। अच्छा, फिर क्या हुआ? गोला बनाते हुए बमबारी हो गई, बच्चे झुलस गए। कितने बच्चे थे? बच्चे चार थे, लेकिन दो की कल मौत हो गई। अच्छा, रात में। तो आज क्या हुआ? आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए। हम लोग बोल रहे थे कि DM साहब और SP साहब आवे तो वो अपनी हमारी बात सुने, हम लोगों का कुछ मतलब निदान करें, लेकिन वहाँ प्रशासन ने हमारी बात को ना सुन करके लाशों को उठवा दिया, और हमारी लोगों की बात नहीं सुने। हम लोग ये चाह रहे थे कि हम जो बच्चे मरे हुए हैं उनको कम से कम 25-25 लाख रुपया दिया जाए, और यहाँ जो अवैध रूप से जो पटाखे गोला भर रहे थे उसमें से बुलडोजर चल जाए और ये तुरंत गिरफ्तार की जाए। तो क्या कहा? तो उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, केवल लालच दे के कि जबरदस्ती लाशों को जबरदस्ती उठवा दिए। ये बोले कि नहीं जमीन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसमें कोई लालच केवल लिखित में है नहीं। अगर तुम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री के पास मिलेंगे, उनसे अपनी बात बताएंगे। बाबा पे भरोसा है? बाबा के ऊपर भरोसा है।